गॉड ऑफ वॉर 4 को रिलीज हुए अब एक महीने से भी ज्यादा हो चुका है और रिलीज होने के सिर्फ 3 दिन में इस गेम ने उसके 3 मिलियन से भी ज्यादा यूनिट सेल कर दिए थे। सो इट्स नॉट आउट कि इस साल के वन ऑफ द बेस्ट गेम में गॉड ऑफ वॉर 4 तो रहेगा ही। वैसे तो क्रेटोस की कहानी को गॉड ऑफ वॉर 3 में ही कंक्लूड कर दिया था, पर क्रेटोस जैसा सक्सेस तो शायद क्रेटोस ही बना सकता है, इसलिए गॉड ऑफ वॉर की कहानी को कंटिन्यू किया जा रहा है, लेकिन एक नए तरीके से। तो चलिए देखते हैं आप और मैं कि इस नए गेम में उसके प्रीडेसेसर से क्या अलग है और क्या ये उससे बेहतर है। मैं हूँ आशी और मेरे YouTube चैनल डाइव इन गेम के इस पहले वीडियो में आप सबका स्वागत है। गॉड ऑफ वॉर 4 की कहानी अब शुरू होती है स्कैंडिनेवियन नॉर्स माइथोलॉजी की दुनिया मिडगार्ड में, लेकिन ये कोई रिबूट नहीं है बल्कि कंटिन्यूशन है। ऐसा लगता है कि ग्रीक गॉड और टाइटंस को मारने के बाद क्रेटोस अब मिडगार्ड में ही बसा था और जहां उसने फेयर नामक औरत से शादी की और उन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम एट्रियस है। गेम स्टार्ट होते ही हमें पता चलता है कि फेयर की रिसेंटली मौत हो गई है और उसकी आखिरी इच्छा के तहत क्रेटोस और एट्रियस को उसकी अस्थियां मिडगार्ड के सबसे ऊंचे शिखर पर फैलानी है और गॉड ऑफ वॉर 4 इन दोनों के इसी सफर की कहानी है। अगर आपने पहले के गॉड ऑफ वॉर गेम्स खेले हैं तो आपको पता ही होगा कि क्रेटोस का कैरेक्टर कितना गर्म खोपड़ी का है। उसके डिसीजन बहुत ही रेज और एंगर ड्रिवन है। उसके हर डिसीजन के पीछे बस एक ही मोटिवेशन होता है और वो है बदला। पर यहाँ आप क्रेटोस को बखूबी एक अच्छे बाप और टीचर का किरदार निभाते हुए देख सकते हैं। इतना इम्पोर्टेंट पर्सोना चेंज के बावजूद भी आप वही क्रेटोस महसूस करते हैं जो पिछले गेम्स में था। गॉड ऑफ वॉर 4 गेम इज टोटली डेवलप्ड फ्रॉम स्क्रैच, इसी वजह से आपको इस गेम में काफी कुछ गेम प्ले चेंजेस स्टार्टिंग से ही दिखाई देंगे। गेम की स्पिरिट अभी भी हैक एंड स्लैश है, बट जो थर्ड पर्सन ओवर द टॉप व्यू था वो थर्ड पर्सन ओवर द शोल्डर व्यू है। उसके सिग्नेचर ब्लेड्स ऑफ क्योस की जगह अभी उसका प्राइमरी वेपन है लिवियाथन एक्स। जहां पहले के गॉड ऑफ वॉर गेम्स काफी कुछ लीनियर स्टोरी लाइन पे थे, अब वो ओपन वर्ल्ड सैंडबॉक्स जैसे ऑप्शंस हैं, जहां आपको साइड मिशंस करने को मिलते हैं। इन्हें कंप्लीट करने पर आपको एक्सपी और स्पेशल आइटम्स रिवॉर्ड में मिलते हैं, जिन्हें आप अपनी स्किल्स को अनलॉक करने के लिए खर्चते हैं। इसके साथ आपको आर्मर्स भी मिलते हैं जिन्हें आपको अपग्रेड करते रहना है। यहाँ अपग्रेड करने के भी कई ऑप्शंस हैं। इस बार आपको मिडगार्ड में कई तरह के एनिमीज का सामना करना है, इसलिए अपने फाइटिंग स्टाइल और एनिमीज को ध्यान में रखते हुए आपको अपग्रेड करना है। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि गॉड ऑफ वॉर 4 का पहला 1 आवर खेलने के बाद आई एम डेफिनेटली एक्साइटेड टू कंटिन्यू। गेम को अगर उसके प्रीडेसेसर से कंपेयर करें तो बहुत से बदलाव हैं, पर ये बदलाव अच्छे के लिए ही है। गॉड ऑफ वॉर 4 गेम इज डेफिनेटली मस्ट बाय गेम फॉर ऑल द क्रिटर्स फैन आउट देयर। पर अगर आपने पहले के गॉड ऑफ वॉर गेम नहीं खेले हैं, फिर भी आप इस गेम को पूरी तरह से एंजॉय कर सकते हैं, एज देयर इज मिनिमल डिपेंडेंसी ऑन क्रिटर्स हिस्ट्री एंड एज इट इज इट्स अ PS4 एक्सक्लूसिव। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और मेरा ये रिव्यू आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट मी इन माई कमेंट सेक्शन, और आगे के वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन कीप गेमिंग।